ओम शांति। आज 18 जनवरी 1969 जब ब्रह्मा बाबा ने ये व्यक्त शरीर को छोड़ा और अव्यक्त हुए, ये पंखे को करना, हेलो पंखा पंखा, यस। ओम शांति। 18 जनवरी 1969 को पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा जी ने जब ये व्यक्त शरीर छोड़ अव्यक्त हुए, उसके बाद अव्यक्त वतन से प्राप्त दिव्य संदेश संख्या 10 गुलजार बहन जी के द्वारा 10वां संदेश है। आज जब मैं वतन में गई तो ऐसे लगा जैसे कोई सूर्य के नज़दीक जाए तो सूर्य की गर्मी इस या साकाश सूर्य का की गर्मा गर्मी इस या साकाश तेज आती है। गर्माइश, ये शब्द इकट्ठा मिलकर के बनेगा, सूर्य की गर्माइश या साकाश तेज आती है, ऐसे ही पिक्चर में दिखाई दे रहे थे और सूर्य के समान किरणें निकल रही थी। क्या देखा कि नीचे बहुत बड़ी सभा है, सभा साकार रीति में ब्राह्मणों की कभी नहीं थी, सभी ब्राह्मणों पर वे किरणें जा रही थी और मैं भी वतन में गई तो देखा मेरे पर भी वही किरणों की लाइट माइट आ रही है। कुछ समय बाद मैं बाबा से उसी रूप में मिली और कहा कि बाबा मैं भोग लेकर आई हूँ। बाबा भोग स्वीकार करते हुए सिखला रहे थे कि खाते समय कैसे लाइट माइट की स्थिति में रहना है। फिर मैंने बाबा से पूछा कि बच्चों को याद प्यार तो देंगे ना? इस पर बाबा ने कहा कि स्नेह का रूप तो बहुत देखा लेकिन स्नेह के साथ शक्ति, स्नेह के साथ शक्ति रूप की स्थिति जो बाबा बच्चों की बनाना चाहते हैं वो अभी तक कम है, वो अभी तक कम है। तो आज बाबा स्नेह के साथ शक्ति भर रहे थे और कहा इसी से ही सर्विस में सफलता। बाबा ने संदेश भी ये दिया कि सिर्फ स्नेह नहीं लेकिन साथ साथ में शक्ति भी भरनी है, जो बाबा ने खुद दृश्य में दिखाया कि बच्चों को इस सृष्टि का को इस सृष्टि को लाइट माइट की किरणें देनी, एक लाइट की किरणें देनी है और एक माइट की किरणें देनी। इतने दिन बाबा का स्नेह के रूप से मिलन था लेकिन आज स्नेह के साथ लाइट माइट का रूप था तो मैं उसे लेने में ही तत्पर हो गई और वापस साकार वतन में आ गई। अब हमें यहाँ जो समझने वाली बात है कि दादी ने वहाँ पर लाइट और माइट की किरणें ली और वो किरणें बाबा ने सिखाया कि भोजन लेते वक्त भी, जिस समय आप भोजन ग्रहण कर रहे हो उस समय भी आपने लाइट माइट की किरणें देनी है, ये बाबा ने सिखाया।
हमारा कोई समय ऐसा नहीं है कि जब हम लाइट माइट की किरणें ना दे रहे हों। हर वक्त हम लाइट माइट की किरणें दे सकते हैं, परंतु देना चाहें तो। अब ये प्रश्न उठता है कि ये लाइट की किरणें क्या हैं और माइट की किरणें क्या हैं, क्योंकि टेलीविजन में या वीडियो में या कहीं भी किरणें दिखाई जा सकती हैं कि हमारे से किरणें निकलकर जा रही है। परंतु लाइट की किरण माना मैं आत्मा हूं, ये स्वयं पहले अनुभव करके फिर उन आत्माओं को अनुभव करने की विधि देनी है कि हे आत्माएं, तुम इस देह से न्यारी, तुम्हारे से ये देह है, तुम इस देह की रचयिता हो और इस देह को छोड़ने के निमित्त हो। ये जितना जितना अनुभव करेंगे और वो अनुभव करने की विधि वहां प्रेषित करेंगे। उनको लगे हम आत्मा है। आत्मा समझने से दूसरी लाइट हम हल्के हो जाते, आत्मा समझते ही ये 60-70 किलो का वजन खत्म। मैं आत्मा हूं, तुम भी आत्मा हो, ये देह नहीं, देह का आकर्षण ही खत्म। ये सब संबंध संपर्क वाले भी आत्मा है। हर एक आत्मा स्वतंत्र है, कोई बोझा नहीं है। मेरे हैं तो बोझा हो जाएगा, भारी हो जाएगा। लाइट माना लाइट प्रकाश, लाइट माना हल्के। मेरा कहते ही बोझ लगेगा, सब ईश्वरीय संतान। खुद हल्का होना है, उनको भी हल्का कर। अब माइट के लिए क्या करना है? माइट का पहला आधार है ज्ञान। सातों को ज्ञान से सातों गुणों को अपने जीवन में लाना है और इन गुणों के जब हम अनुभवी बनते हैं तो ये हमारी शक्तियां बनती हैं। ये गुण का अनुभवी बन सातों गुणों आठों शक्तियों का अनुभवी बन उनको अनुभवी बनाना है। कैसे हमने ये सातों गुण और आठों शक्तियां अपने जीवन में धारण की है वो उनको सिखाना है। ये है लाइट माइट देना और ये हम चलते फिरते उठते बैठते काम करते
सबको देना है, सबको देना है। ये बाबा ने आज विशेष समझा है। ओके, ओम शांति।